हेलो दोस्तों, अगर आप जियो फोन नेक्स्ट बाय करना चाहते हो तो आप आज बिल्कुल ही सही जगह पे हैं। बिकॉज दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग ऑनलाइन जाके जियो फोन नेक्स्ट को बाय कर सकते हैं। एंड साथ ही इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि यहाँ पे क्या कुछ डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स हमें देखने को मिलने वाली है, कौन सी कार्ड पे, कौन सी बैंक पे कितना परसेंट हमें डिस्काउंट या ऑफ देखने को मिलने वाली है। एंड साथ ही ये भी देखने वाला हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे बंदे होंगे जो दोस्तों इस फोन को EMI पर बाय करना चाहते हो, तो उनके लिए ये देखने वाला हूँ कि दोस्तों कौन कौन से बैंक यहाँ पे एक्सेप्टेबल हैं हमें EMI पे फोन देने के लिए, एंड क्या कुछ इंटरेस्ट हैं उनके। तो चले करते वीडियो को फटाक से स्टार्ट। एंड दोस्तों आपको ले चलता हूँ मैं अपने फोन के होम स्क्रीन पे। तो दोस्तों सिंपली से आप आ चुके हो मेरे फ़ोन की होम स्क्रीन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई सा भी एक सर्च क्रोम को ओपन कर लेना। मैं यहाँ पे गूगल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ से सिंपली से आपको सर्च बार में जाना है। एंड सर्च बार में आपको सर्च करना है रिलायंस ट्रेंड। मेरा तो यहाँ पे ऑलरेडी से रिलायंस ट्रेंड सर्च है, तो इसलिए मैं सिंपली से सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो सबसे पहला वेबसाइट खुल के आएगी रिलायंस डिजिटल, उसे आपको कर लेना है सिंपली सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों आपके सामने आ चुका है रिलायंस डिजिटल का स्टोर। तो उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है लेफ्ट के टॉप साइड पे 3 डॉट बटन, तो सिंपली से इसे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कैटेगराइज में यहाँ पे सबसे पहला दिख रहा है मोबाइल्स एंड टैबलेट, तो इसके साइड में जो प्लस का ऑप्शन है उसे करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्मार्टफोन में दो स्मार्टफोन यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक आईफोन 13 एंड एक जियो फोन नेक्स्ट। तो सिंपली से हमें जियो फोन नेक्स्ट लेना, तो इसे कर लेना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आपको यहाँ पे दो फ़ोन दिखाया जा रहा है जो कि सेम वेरिएंट है दोनों का दोस्तों, 2GB 32GB। तो सिंपली से यहाँ पे एक कोई सा भी कलर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने हमारा जियो फोन नेक्स्ट 2GB 32GB खुल के आ चुकी है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो इस फ़ोन का टोटल प्राइस जो है वो है दोस्तों 6,499 रुपीज़। एंड अब नेक्स्ट बात कर लूँ दोस्तों कि इसके कुछ ऑफ़र्स वगैरह के कौन कौन से बैंक पे हमें इस यहाँ पे ऑफर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप टू 10% डिस्काउंट ऑन यस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे आप सिंपली से देख सकते हो कि दोस्तों अगर आप यस बैंक क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो तो आपको अप टू 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। 10% तक का आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेकेंड जो ऑफर है आपको यहाँ पे दोस्तों अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड पे देखने को मिलेगा, वो भी 7.5% इंस्टेंट डिस्काउंट। तो दोस्तों यहाँ पे अप टू 7.5% अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को यूज करने पे आपको मिल सकती है। तो दोस्तों यहीं पे यहाँ पे बस दो ही ऑफर है, एक यस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे एंड अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड पे। एंड सेकेंड यहाँ पे बात कर ले उन दोस्तों के लिए जो यहाँ पे दोस्तों EMI पे इस फ़ोन को लेना चाहते हैं, तो उनके लिए तो सिंपली से EMI पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक की बात करो तो यहाँ पे आपको कुछ एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक इसी तरह के यहाँ पे आपको 10-12 बैंक के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखा दूँ EMI ऑफर अवेलेबल ऑन सेलेक्ट कार्ड, मतलब यहाँ पे जितना भी यहाँ पे बैंक है बस इसी बैंक पे आपको EMI मिलने वाली है और दूसरे बैंक पे नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों एक बात और मैं बता दूँ, यहाँ पे जितना भी EMI ऑप्शन है बस वो क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए, जिनके पास क्रेडिट कार्ड है उन्हीं को आपको ये मिलने वाली है। अगर आप क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं है तो आप भूल जाओ कि ऑनलाइन से जाके आपको ये EMI पे मिल जाएगी। एंड यहाँ पे बात कर लो कि क्या कुछ इंटरेस्ट है एनुअल इंटरेस्टेड, तो यहाँ पे आप जो मैं सबसे पहले एक्सिस बैंक को अगर सेलेक्ट करो, अगर 3 मंथ के लिए मैं EMI पे लेता हूँ तो आपको 13% एनुअल इंटरेस्ट देना पड़ेगी, मतलब पर मंथ आपको 2,213 रुपीज़ के अप्रोक्स आपको पे करनी पड़ेगी पर मंथ 3 मंथ के लिए। टोटल वैल्यू का जो रूट हो 3 मंथ के, 3 मंथ में कितना रुपया देना पड़ेगा, तो वो आपको 6,640 रुपीज़ 3 मंथ में आपको देना पड़ेगा। एंड अगर 24 मंथ के लिए आप इसे लेते हो तो आपको एनुअल इंटरेस्ट 15% लग जाएगी। इसका मतलब कि आपको मंथली ओनली 315 रुपीज़ पे करने की मंथली एंड मंथली 24 मंथ के लिए। एंड टोटल अगर वैल्यू इसके जोड़े तो ये आपको 7,563 रुपीज़ ऑल ओवर पे करनी पड़ेगी 24 मंथ में, मतलब 15% आपको इंटरेस्ट देनी पड़ेगी अगर 24 मंथ के लिए आप लेते हो।
तो ये आप सोच लो कि आपकी कौन सी बैंक पे लेनी है एंड आप चेक कर सकते हो किस बैंक पे कितना है नहीं है वो वगैरह आप चेक कर लो। एंड दोस्तों ध्यान देने वाली ये बात है कि दोस्तों आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप जाके ईएमआई पे इसे बाय कर सकते हो। एंड चलिए अब हम जाते हैं बैक एंड देखते हैं किस तरह से हम इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले दिखा दूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप पहले पिन कोड दे दो, मैंने ऑलरेडी से मेरा पिन कोड दे चुका है। यहाँ पे आपको रेड कलर में नीचे साइड में बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, तो कर लो इसे सिंपली सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा शिपिंग एड्रेस मांग रहा है, तो मैं सिंपली से फटाक से यहाँ पे शिपिंग एड्रेस अपना भर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस भर चुका है, बट दोस्तों इस मेरे पिन कोड पे ये डिलीवर नहीं किया जा सकता, इस कारण से मैं इसे अभी बाय नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपके एरिया में आपके पिन कोड में अगर ये अवेलेबल है तो आप सिंपली से यहाँ पे आप इसे यहाँ पे आपको नीचे डिलीवरी हेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली से आप इसे क्लिक करोगे एंड पे कर दोगे पेमेंट। पेमेंट पे करने के बाद दोस्तों तो ये आपके एड्रेस पे पहुँच जाएगी। यहाँ पे आपको दो डिलीवरी मेथड देखने को, एक दोस्तों इंस्टेंट डिलीवरी जिसमें आपको कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा देनी पड़ सकती है अगर आप इंस्टेंट डिलीवरी चाहते हो, एंड दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड जो नॉर्मल होती है। तो दोस्तों यही आप देख सकते हो, अगर दोस्तों आपके पास भी यहाँ पे सेम प्रॉब्लम आ रही है कि आपके एरिया में ये डिलीवर नहीं किया जा रहा है ड्यू टू कोरोना, तो दोस्तों यहाँ पे आप सिंपली से यहाँ पे आप देखते हो आपको सेकंड ऑप्शन मिल रहा है पिक एट स्टोर। पिक एट स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सिंपली से अपना पिन कोड डालोगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आपके जो लोकल स्टोर जहाँ पे जियो फोन नेक्स्ट अवेलेबल है वहाँ का आपका लोकेशन बता देगा, तो आप सिंपली से वहाँ जाके बाय कर सकते हो। सो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको आपके प्रोडक्ट बाय करने में हल्की सी हेल्प की, दोस्तों हल्की सी हेल्प की होगी तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड साथ ही साथ अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।